हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस कैन यू लोकेट इन द फिगर गिवन हियर, नेम देम. जो ये फिगर गिवन है इसमें आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन नोट करनी है. सो देखते हैं हम. फर्स्ट वी विल नोट परपेंडिकुलर लाइन्स. परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए ये सिंबल होता है, ये डी ई एंड डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. देन पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइंस में डीसी पैरेलल टू एबी. एंड द अदर पेयर इज एडी पैरेलल टू बीसी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कैन अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव. जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, ये हमारा ए पार्ट है. सो इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको एक पेयर लेना है. ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने पॉइंट आए? एक ही तो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये पेयर है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई. ओके, और इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं? 1. देन सेकंड पार्ट, डज द मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ द एंगल. जो मैग्नीट्यूड है एंगल का, क्या वो लेंथ ऑफ आर्म के ऊपर डिपेंड करता है? अगर हम एंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं और मैंने बोला कि ये 60 डिग्री है, तो अगर आप इस आर्म्स को देखते हो, अगर मैं इस आर्म को और ज्यादा ऐसे लेंथी कर दूं, तो क्या ये एंगल 60 का चेंज हो जाएगा? नहीं होगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन आर्म्स ऑफ एंगल. ओके, तो इसमें क्या लिखना है? नो, द मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ एंगल. देन थर्ड पार्ट, हाउ मेनी राइट एंगल्स डज अ कंप्लीट एंगल हैव. कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल होता है, इसमें कितने राइट एंगल होंगे? तो ये 4 राइट एंगल हो गए, 1 2 3 4. ओके, तो यहां पे 4 राइट एंगल्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. अ डैश हैज एन इनिशियल बट नॉट एंड पॉइंट. इनिशियल मीन्स क्या होता है? स्टार्टिंग. ओके, तो हमारे पास क्या होता है? रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ अ लाइन. ये लाइन सेगमेंट हो गया. लाइन में नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट, बट इन अ रे देर इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट. सो इसमें क्या आएगा? अरे, अरे हैज एन इनिशियल पॉइंट बट नॉट एंडिंग पॉइंट. देन बी पार्ट, द लाइन्स दैट मेक राइट एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड डैश लाइन्स. तो कौन सी लाइन होगी? इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं जो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म करती है? इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन्स. नाउ सी पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज डैश देन दैट ऑफ ऑब्ड्यूस एंगल. ऑब्ड्यूस एंगल क्या होता है? जो 90, जैसे ये एंगल मैंने ड्रॉ किया और ये मैंने लिखा कि ये 150 डिग्री है, तो एंगल विच लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, दैट इज ऑब्ड्यूस एंगल. और अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? जो 180 से ग्रेटर हो और 360 से कम हो. तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल.
तो रिफ्लेक्स एंगल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इज मोर देन, ओके, मोर देन द ऑब्ट्यूस एंगल. देन डी पार्ट, एन एंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय इट्स, एंगल किससे फॉर्म किया जाता है, बाय इट्स क्या बोलते हैं हम इसको, आर्म्स. देन व्हेन द रेज फॉर्मिंग एन एंगल लाई ऑपोजिट टू ईच अदर डैश एंगल इज फॉर्म्ड. अगर रे एक दूसरे के अपोजिट हो, कैसे, अपोजिट में देखिए एक ये है और इसकी अपोजिट में ये एक दूसरे के अपोजिट में है, अगर ये ऐसे होती है तो ये एंगल कौन सा हो गया, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम ऑल द स्ट्रेट एंगल्स. स्ट्रेट एंगल किस कौन सा, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, तो ये एंगल एक, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल के ओ एम. अब ये जब एंगल नोट किया है तो ये वाला अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, देन ये स्ट्रेट लाइन है, इस एंगल को हम क्या नोट करेंगे, एंगल एन ओ एल, दिस इज स्ट्रेट एंगल्स. नाउ सेकंड, राइट द नंबर ऑफ एक्यूट एंड रिफ्लेक्स एंगल. अब आपको एक्यूट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल नोट करने हैं, तो यहां हम नोट करते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में कौन कौन से हैं, देखिए पहले ये वाला एंगल, सबसे पहले ये वन, एंगल एल ओ के, देन ये वाला एंगल, एंगल के ओ जे. अब ये वाला एंगल नहीं है क्योंकि ये 90 है, फिर एक एक्यूट एंगल ये यहां पे है, एंगल ये वाला एन ओ एम, ओके. देन रिफ्लेक्स एंगल हमें नोट करना है, रिफ्लेक्स एंगल में जो मोर देन 180 डिग्री है, मोर देन 180 डिग्री, अब ये 180 डिग्री है, मोर देन होना चाहिए, तो मोर देन में अब हम कौन सा लेंगे, अब मैं एक बार ये सारे साइड कर देती हूं ताकि एंगल आपको पता चले कौन सा एंगल मैं बोल रही हूं. रिफ्लेक्स एंगल में ये स्ट्रेट लाइन है, अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, एंगल जे ओ एल. देन फिर ये वाला एंगल लीजिए, एंगल के ओ एल, और कौन सा एंगल है, ये एंगल भी है एक, एंगल के ओ एन. देन एक एंगल ये भी है, अगर आप इस एंगल को देखते हैं, ये एंगल, अब इस एंगल को कैसे बोलेंगे, एल ओ एम, ओके, दीज आर रिफ्लेक्स एंगल्स. देन इन सी पार्ट, नेम ऑल द राइट एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स. अब इसमें राइट एंगल कौन सा होगा, एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूं. अब देखिए इसमें राइट एंगल एक हमारे पास एंगल जे ओ एल ये, और दूसरा ये वाला राइट एंगल है, सो इसमें नोट कर देते हैं हम राइट एंगल्स, एंगल एल ओ जे एंड एंगल जे ओ एन, दीज टू आर राइट एंगल्स. देन ऑब्ट्यूस एंगल वी हैव ऑल्सो राइट, ऑब्ट्यूस एंगल में देखिए कौन सा होगा, जो मोर देन 90 डिग्री हो, तो सबसे पहले ये वाला एंगल लेते हैं, एंगल के ओ एन. देन एक ये एंगल भी है इसमें, एंगल जे ओ एम, एक ये एंगल भी है इसमें, एंगल एम ओ एल, ओके.
ये आपके पास क्या है, ओब्ट्यूस एंगल है और नहीं है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एज डायरेक्टेड एंड राइट द टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अ पेयर ऑफ लाइन पी क्यू एंड आर एस दैट इंटरसेक्ट एट ओ। आपको लाइन्स लेनी है जो कि पी क्यू और आर एस है और इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ के ऊपर। पी क्यू आर एस एंड दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ओ। देन बी पार्ट, अ रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी एंड शेड इट्स इंटीरियर। एक एंगल ड्रॉ करना है जो कि रिफ्लेक्स एंगल हो। सो रिफ्लेक्स एंगल के लिए ये मैंने रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ किया और इसके इंटीरियर को शेड करना है ए बी सी। ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है। जब आप नोटबुक में इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट इसका शेड करना है। ओके, ये वाला एंगल होगा। गलती से ये वाला मत ले लेना क्योंकि ये वाला नहीं होगा इसमें। ये एक्सटीरियर में है, इंटीरियर में ये वाला है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे ड्रॉ करिए फिर ये वाला पार्ट। ओके, ये इसका इंटीरियर हो गया। देन सी पार्ट, सी पार्ट इज अ परपेंडिकुलर ए बी टू अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक लाइन हमने ये ली, आपको क्या करना है, स्केल से करना है ये। ओके, ये एक्स वाई लिया, एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ए बी बोला है तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई ए बी। ये 90 के ऊपर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। ओके, दिस इज ऑल डन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।